हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स ज्ञान गुरु। तो आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के प्रीवियस ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड, वो डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा 75 मार्क्स का, ठीक है। और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में टोटल यूनिट्स हैं 5, ठीक है। तो हर यूनिट से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। अब क्वेश्चन या तो एक क्वेश्चन दे देंगे 15 मार्क्स का, ठीक है, या एक क्वेश्चन में दो पार्ट्स दे देंगे, ठीक है। एक होगा 8 मार्क्स का, एक हो जाएगा 7 मार्क्स का, ठीक है। या फिर तीसरा ऑप्शन हो सकता है, आपको चार पांच टॉपिक दे दें और उन पर लिखें राइट अ शॉर्ट नोट एनी ऑफ टू और थ्री ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आपको अपना जो कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, वन बाय वन डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से। यूनिट 1, ओरिजिन ऑफ द बैंकिंग। इसमें फर्स्ट आपको डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ बैंक्स क्लियरली पता होने चाहिए। डेफिनेशन क्या है, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो एक्सेप्ट द डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक एंड देन प्रोवाइड द लोन्स टू द पब्लिक, राइट। फंक्शंस क्या हैं बैंक्स के, यूजुअली हम इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अंडर प्राइमरी फंक्शंस जैसे डिपॉजिट्स, लोन एंड एडवांसेस, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। देन सेकेंडरी फंक्शन हो गए बैंक एक्टिंग एज एन एजेंट, बैंक वर्क एज अ ट्रस्टी फॉर द बेनिफिशियल ऑफ द कस्टमर, कलेक्टिंग पेमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर, ठीक है। अंडर यूटिलिटी फंक्शन जैसे लॉकर की फैसिलिटी फॉर एन एक्सचेंज अंडर राइटर, कंपाइलिंग द डेटा एंड प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन। देन लास्ट थर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे इंश्योरेंस सेल करना, ठीक है। बैंक इंश्योरेंस सुना होगा ना, बैंक इंश्योरेंस भी सेल करते हैं, तो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस फैसिलिटीज, सेलिंग म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट एंड मर्चेंट बैंकिंग पे फोकस करना, ठीक है। तो ये है बेसिक फंक्शन ऑफ द बैंक्स। देन बैंकर एंड कस्टमर का रिलेशनशिप, बैंक और कस्टमर के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है, जैसे डेटर और क्रेडिटर, क्रेडिटर एंड डेटर, बेलर एंड बेली, प्रिंसिपल एंड एजेंट, एडवाइजर एंड क्लाइंट, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, इंडेमनीफाइड एंड इंडेमनीफाइड, ठीक है। एंड देन कुछ स्पेशल रिलेशनशिप होते हैं, जैसे ऑब्लिगेशन टू ऑनर द चेक, मेंटेन अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर, फॉलो कस्टमर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, मेंटेन प्राइवेसी ऑफ द कस्टमर। तो ये कुछ बेसिक स्पेशल फंक्शंस हो गए हैं, ठीक है। जनरल फंक्शन एंड स्पेशल फंक्शंस ऑफ द रिलेशनशिप, जर्नल एंड स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन बैंक्स एंड कस्टमर। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, टाइप ऑफ डिपॉजिट पे क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। बैंकिंग एंड कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट में किस तरह के डिपॉजिट हैं, जैसे डिमांड ड्राफ्ट और टर्म टाइप्स ऑफ डिपॉजिट में जैसे डिमांड ड्राफ्ट और टर्म डिपॉजिट। डिमांड ड्राफ्ट में कैसे, जब डिमांड पे हम जो कस्टमर है अपनी डिमांड पे कभी भी पैसे बैंक से निकाल सकता है, विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट में जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, ठीक है। और देन टर्म डिपॉजिट कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे हुए हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया या फिर रिकरिंग डिपॉजिट कि मंथली हम कुछ पे कुछ अमाउंट ऑफ मनी हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट, रोल ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया एंड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द फॉरेन बैंक्स, ठीक है। रोल क्या है फॉरेन बैंक्स का, ठीक है, वो पता होना चाहिए। क्या रोल्स है, क्या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं फॉरेन बैंक्स की, वो आपको क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, फॉरेन बैंक्स को अगर इंडिया में ऑपरेट करना है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी है। जैसे ब्रांच मोड, पहले तो ऑप्शन होते थे 2010 में ब्रांच मोड ऑन होली ऑन सब्सिडरी, फिर आफ्टर 2010 ये होली ऑन सब्सिडरी ऑपरेट कर रहा है। इसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लाइक कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। देन रिस्ट्रिक्शन है फॉरेन बैंक्स के ऊपर, जिससे हम डोमेस्टिक बैंक्स को प्रोटेक्ट कर सकें। उनको अडॉप्ट करना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अपॉइंटमेंट करनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडियन मेंबर्स की, ठीक है, इन सर्टेन प्रपोर्शन। और उनको फॉरेन बैंक्स को इन्वेस्ट करना है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। उनको रिस्ट्रिक्शन है बैंक्स को बेसिकली फुल डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट्स करना है बिफोर आरबीआई, और वंस आरबीआई सेटिस्फाइड विद ऑल द फैक्ट्स एंड द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द फॉरेन बैंक्स, देन दे कैन गिव द ग्रीन फ्लैग टू दीज फॉरेन बैंक्स टू ऑपरेट इन इंडिया, ठीक है। ये बेसिक पता होनी चाहिए, क्या इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं फॉरेन बैंक्स की इन इंडिया, वो पता होना चाहिए। जैसे फॉरेन बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक से क्या होगा, इंक्रीज जीडीपी,
इंक्रीज फाइनेंशियल इनोवेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, स्किल ट्रांसफर होगा, ठीक है, इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन होगा बिकॉज ऑफ फॉरन मैंस, ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. डिसएडवांटेज क्या होगी फॉरन मैंस की, जैसे लिमिटेड फोकस ऑन द रूरल एरिया, ठीक है, वो उनका मेन फोकस क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक टारगेट ऑफ ऑडियंस को पे फोकस करते हैं और उसी से बेसिकली अपनी प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसकी हो सकती है कि कैपिटल आउटफ्लो हो जाएगा कंट्री से, ठीक है, और ये जो फॉरेन बैंक्स होते हैं ये मेजरली डिपेंड करते हैं ग्लोबल हेडक्वार्टर पे, ठीक है, ग्लोबल हेडक्वार्टर पे डिपेंड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये लोग चलते हैं. नेक्स्ट रोड मैप ऑफ द फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू द रोड मैप्स लाइक द ब्रांच मोड एंड द होली ऑन सब्सिडरी, एंड दे हैव टू फॉलो द सर्टेन क्राइटेरिया टू बिकम एलिजिबल टू ऑपरेट देयर बैंकिंग सर्विसेज इन इंडिया. नेक्स्ट वॉट आर इंडियाज़ अप्रोच टूवर्ड्स द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन एरिया ऑफ कंसर्न. तो बेसिकली पहले क्या होता है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिफॉर्म्स के, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप जो क्वेश्चन बोल सकते हो वो रिफॉर्म्स से बनता है, ठीक है. रिफॉर्म्स या फॉरेन बैंक्स आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना, इससे क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं, ठीक है, लाइक एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी ऑफ फॉरेन बैंक्स या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, रोल ऑफ फॉरेन बैंक्स से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके रिफॉर्म्स से, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, जिसमें आपको पता होना चाहिए प्री इंडिपेंडेंस इरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा, LPG 1991, देन नरसिम्हा जी की कमेटी 1992 एंड 1998, आपको क्लियरली पता होने चाहिए क्या क्या उन्होंने मेजर्स सजेस्ट करे थे, ठीक है, तो वो आपको सब पता होना चाहिए. और 15 मार्क्स से इससे क्वेश्चन बनता है रिफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है, ये दोनों टॉपिक आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ RBI, फंक्शन ऑफ RBI से क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, जिसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ RBI पूछा हुआ है. अब पहली बात, मॉनेटरी फंक्शनिंग क्या होती है, बेसिकली मॉनेटरी फंक्शन से जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो होती है कि हम जो सेंट्रल बैंक जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करती है पॉलिसी रेट, सो टू चेंज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विद द मेन ऑब्जेक्टिव टू अचीव द डिजायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ. मतलब अगर प्रेजेंट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें तो 6% है, अपर एंड लोअर जो टॉलरेंस लेवल है वो प्लस एंड माइनस 2% है, तो मिनिमम 2% हो सकता है, मैक्सिमम 6% हो सकता है, ऑन एन एवरेज 4, ठीक है, तो इतना इन्फ्लेशन होना चाहिए. अगर इससे बियॉन्ड जाता है, लाइक अबव इन्फ्लेशन रेट 6% है, तो आरबीआई को गवर्नमेंट को रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी कि किस वजह से हम इन्फ्लेशन जो है वो अचीव नहीं कर पाए, ठीक है. तो मेन मॉनेटरी पॉलिसी का फंक्शन यही है कि हमें मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है, सो दैट वी कैन फोकस ऑन द इन्फ्लेशन एंड अचीव अ डिजायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है. उसी के अकॉर्डिंग फिर एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बनती है, ठीक है. नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई बैंक और भी अदर फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे मैनेज करता है फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें से फाइनेंशियल मार्केट लाइक कैपिटल मनी, फॉरेक्स मार्केट को मैनेज करता है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को मैनेज करता है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेक्स डीलर, अंडरराइटर, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को, फॉरेन एक्सचेंज, आरबीआई ऑल्सो डील्स इन द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, उसमें भी आरबीआई मैनेजेस करता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन एंड फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड क्वेरीज आरबीआई के अंडर आती हैं. देन आरबीआई इशू करता है करेंसी, आरबीआई को हम बैंकर टू द गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई काम करता है, और बैंकर टू बैंक भी बोलते हैं. और इसका एक और फंक्शन है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम. तो ये कुछ फंक्शंस हैं आरबीआई के, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट है. तो अगर हम बोलें यूनिट वन में आपने किस टॉपिक पे ज़्यादा एम्फसाइज करना है, ठीक है, फंक्शन ऑफ आरबीआई, ठीक है, रिफॉर्म्स आपको प्रिपेयर करने हैं, एंड फॉरेन बैंक्स की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है, एंड रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर्स एंड कस्टमर रिलेशनशिप, ये इस पर आपको ज़्यादा एम्फसाइज करना है, ठीक है. बाकी क्वेश्चन और भी किसी से फॉर्मेट में, किसी और डिफरेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपको या तो प्रैक्टिकल उसमें क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको SBI बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है तो आप क्या कैसे खुलवाओगे, ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर है, ऐसे इस टाइप के कुछ नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ सकते हैं कि अगर एक हस्बैंड वाइफ, जो हस्बैंड है वो बिजनेसमैन है और जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है, और उनके दो बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी जो 10 साल से कम है एज, ठीक है, तो इन अब ये चार लोग हैं, चार लोग किस टाइप का अकाउंट
बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे अगर वाइफ हाउस वाइफ है तो सेविंग अकाउंट प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हस्बैंड बिजनेसमैन हैं तो उनके लिए करंट अकाउंट बेस्ट रहेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेस्ड ऑन द नीड्स कि आपको कौन किस टाइप का अकाउंट ओपन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आ सकते हैं कि जैसे अगर कोई NBFC है और वो NBFC को प्राइवेट सेक्टर बैंक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसकी क्या क्राइटेरिया है, मतलब फॉरेन बैंक्स की कैटेगरी में आ गए ना, तो फॉरेन बैंक्स को अगर यहाँ पे ऑपरेट करना है, इंडिया में ऑपरेट करना है तो क्या क्या क्राइटेरिया है, लाइक उनको प्रॉपर डिस्क्लोज करना पड़ेगा RBI को, ठीक है, उनको फॉलो करनी पड़ेगी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में अप टू अ सर्टेन परसेंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनको कैपिटल एडिक्वेसी 12% मिनिमम होनी चाहिए, और उनकी जो रैंकिंग है वो AA+ होनी चाहिए, तो ऐसे करके AAA+ होनी चाहिए, तो ऐसे करके कुछ क्राइटेरिया है, तो इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा फर्स्ट यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एंड मैंने पूरी कोशिश करी है आपको आंसर भी प्रोवाइड कराने की इस वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट ऑपरेशन ऑफ बैंकिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, चेक फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ द चेक से एक क्वेश्चन, या एंडोर्समेंट से, इन दोनों से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। फीचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं या टाइप्स ऑफ चेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टाइप ऑफ चेक कौन कौन से होते हैं, जैसे बियरर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक, एंटी डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, स्टेल चेक, ठीक है, या फिर एंडोर्समेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका मीनिंग पूछ सकते हैं, असेंशियल वैलिड कंडीशन ऑफ एंडोर्समेंट, या फिर टाइप ऑफ एंडोर्समेंट, टाइप ऑफ एंडोर्समेंट जैसे ब्लैंक, स्पेशल ऑर्डर, रिस्ट्रिक्टिव, पार्शियल, कंडीशनल, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। एंड वैलिड रिक्वायरमेंट, असेंशियल ऑफ अ वैलिड एंडोर्समेंट कब होगा, एक वैलिड एंडोर्समेंट कब होगा, इस पर डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, ठीक है। तो इन दोनों को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, होम बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसके बेनिफिट्स एडवांटेज भी हो सकते हैं, डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग क्या है, होम बैंकिंग क्या है, या डिजिटल पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ना पता होना चाहिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, होम बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट्स तो हम कर सकते हैं इन सबके थ्रू, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग एक ब्राउजर पे काम करता है, मोबाइल बैंकिंग में क्या डिफरेंस है, वो एक स्पेशलाइज ऐप होती है बैंक की, होम बैंकिंग में हम घर पे ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ईमेल के थ्रू या फिर फोन बैंक का स्पेसिफिक नंबर होता है उसके थ्रू। वर्चुअल बैंकिंग लाइक ATM की तरह हमें, जहाँ पे हमें हम सारे फैसिलिटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ATM में क्या कर सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं हम, डिपॉजिट कर सकते हैं अपनी मनी, ठीक है। एक मतलब वर्चुअल बैंकिंग मतलब एक मशीन के थ्रू आप ऑपरेट कर रहे हो अपनी बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। तो ये क्लियरली आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग क्या है, ठीक है। मोबाइल बैंकिंग के क्या फंक्शंस हैं, होम बैंकिंग क्या है, वर्चुअल बैंकिंग, होम बैंकिंग क्या है, और सेकेंड इससे क्वेश्चन बन सकता है रिलेटेड टू द सेफ गार्ड, ठीक है। सेफ गार्ड की आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है। तो इंटरनेट बैंकिंग बेनिफिट्स, मोबाइल बैंकिंग, आप ये सब खुद देख लेना, और इसमें जो आपको काम करना है कि एक वो होता है क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग में, या फिर वाइल परफॉर्मिंग दी ई बैंकिंग, ठीक है। तो क्या क्या मेजर्स कर सकते हैं हम, इंक्रिप्शन, क्या क्या सिक्योरिटी हमको कंसिडर करनी है इसमें, तो सिक्योरिटी में जैसे इंक्रिप्शन, फ्रॉड डिटेक्शन, टू फैक्टर वेरिफिकेशन, रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट, यूज़र एजुकेशन, तो ये कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हम ले सकते हैं। जैसे मोबाइल बैंकिंग में एक ट्रांजेक्शन लिमिट लगा दी कि अप टू सर्टेन लिमिट तक ही आप विड्रॉ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। और एक क्वेश्चन इससे, और भी क्वेश्चन इससे बन सकता है, जैसे साइबर क्राइम से रिलेटेड और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, एक तो आपको हो गया इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, होम बैंकिंग क्या है, दूसरा आपको क्या, किस तरीके से सिक्योरिटी मेजर्स क्या ले सकते हो प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सिक्योरिटी मेजर्स, सेफ गार्ड्स क्या ले सकते हो, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी से कैसे प्रोटेक्ट करोगे, उससे भी जैसे फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इंक्रिप्शन, ठीक है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, तो इसके थ्रू भी आप ओवरकम कर सकते हो जो फ्रॉड्स हैं, उनको मिनिमाइज कर सकते हो फ्रॉड्स को। तो
ये क्लियर हो गया होगा। चेक एंड एंडोर्समेंट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से एक क्वेश्चन बनेगा। इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, और प्रीवियस ईयर में बहुत फ्रिक्वेंटली इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग से हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको सिक्योरिटी रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसमें दो एक ही क्वेश्चन में दो तीन पार्ट्स बना दिए, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग क्या है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, क्या हम सेफ गार्ड ले सकते हैं, क्या क्या हम सिक्योरिटी क्या क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं वाइल परफॉर्मिंग द इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग या होम बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग बोल लो आप, ठीक है, ब्रॉडली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ECS इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ECS क्या है, ECS डेबिट क्रेडिट, ECS क्या है, ऑटोमेटेड फंड ट्रांसफर, ठीक है, फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, राइट। कि जहाँ पे आपको बेसिक रिक्वायरमेंट हो, एक तो सबसे पहले कि रिकरिंग पेमेंट्स हो, ठीक है, आपको जो पेमेंट्स है वो रेगुलर बेसिस पे देनी है, रिकरिंग एंड नेचर की हो, और दूसरा जो पेमेंट्स आपको देनी है उसमें नीड हो एक अकाउंट से मल्टीपल अकाउंट्स में अमाउंट अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, तो ECS उसके लिए बेस्ट होता है। देन इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र IMPS UPI RTGS NEFT, ठीक है। ई मनी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मनी, CBDC क्या है वो पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मनी, ई वॉलेट, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड पता होना चाहिए आपको क्या है, तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और सेफ गार्ड, हाँ सेफ गार्ड क्या है इंटरनेट बैंकिंग से, इससे क्वेश्चन बनेगा। देन बैलेंस शीट ऑफ द बैंक, बैलेंस शीट ऑफ द बैंक ऑफ बैलेंस शीट ऑन बैलेंस शीट आपको पता होनी चाहिए। बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट्स आएंगे, एक तरफ लाइबिलिटीज आएंगे। एसेट्स में क्या है, कैश एंड कैश एंड बैलेंसेज, बैलेंसेज विद बैंक, इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, फिक्स्ड एसेट्स, अदर एसेट्स। लाइबिलिटीज क्या है, शेयर होल्डर्स फंड्स, डिपॉजिट्स, बोरोइंग, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। ये क्या है, एसेट्स के कॉम्पोनेंट्स है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। और ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स कैसे आइटम्स होते हैं, वो आइटम होते हैं जो आउटसाइड होते हैं बैलेंस शीट के, हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं रखते, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं एट द टाइम ऑफ द इवेंट, ठीक है। अगर इवेंट अगर हो गया तो वो बैलेंस शीट में ऑफ बैलेंस शीट से फिर ऑन बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर वो पर्टिकुलर इवेंट नहीं हुआ तो फिर वो ऑफ बैलेंस शीट में ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल खत्म हो जाता है, वहीं से उनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी हट जाती है और फिर वो बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होते। कि अब जैसे अंडरराइटर्स हैं, ठीक है, अंडरराइटर हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, ठीक है, हमने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की गारंटी दी या फिर फाइनेंस की गारंटी दी। कि बेसिकली ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स ना ऐसे होते हैं कि उसमें बैंक जो है वो गारंटी देता है कि अगर किसी पार्टी ने परफॉर्म नहीं करा तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट आई विल पे टू द थर्ड पार्टी। तो उसमें ऐसे आइटम्स होते हैं, तो अगर एक पार्टी ने डिफॉल्ट करा तो फिर उसकी सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आ जाएगी, बैंक के पास आ जाएगी, और फिर बैंक को उसको पे करना पड़ेगा थर्ड पार्टी को, ठीक है। तो उसमें फिर वो अगर फर्स्ट पार्टी ने पूरे सेटलमेंट कर दी, ठीक है, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट में अगर उसने बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट में अगर पार्टी ने दूसरे थर्ड पार्टी को फुल सेटलमेंट कर दिया तो बैंक का तो रोल खत्म हो गया ना, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैंक ने तो कुछ लिया नहीं है। बट उसने बैंक्स क्यों करती हैं, ये बैंक्स करती हैं क्योंकि एडिशनल कमीशन उनको अगर वो गारंटी देते हैं कि अगर ए ने डिफॉल्ट करा तो आई विल पे ऑन बिहाफ ऑफ ए टू द थर्ड पार्टी, तो इसलिए ए जो है उनको कुछ कंपनसेशन देता है, कंपनसेशन कुछ परसेंट ऑफ कमीशन देता है, ठीक है। तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स क्या कैसे होते हैं, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स ऑन बैलेंस शीट में नहीं आते, वो बैलेंस शीट से बाहर होते हैं, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट, परफॉर्मेंस गारंटी, फाइनेंशियल गारंटी, ठीक है, बिल डिस्काउंटेड। तो ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं ऑफ बैलेंस शीट आइटम। तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम तभी ऑन बैलेंस शीट में कन्वर्ट होंगे जब एट द टाइम ऑफ अकरिंग दैट इवेंट, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल गारंटी दी कि अगर ए ने पेमेंट नहीं करा थर्ड पार्टी को तो फिर बैंक पे करेगा थर्ड पार्टी को, ठीक है। तो अगर ए ने डिफॉल्ट करा तभी बैंक की लाइबिलिटी अराइज हुई, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो ऑन ऑफ से ऑन कब होगा, जब बैंक पे करेगा टू द थर्ड पार्टी, तभी फिर वो कन्वर्ट करके हम उसको ऑन बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड डालेंगे, ठीक है। तो अदरवाइज बैंक ने यहाँ से कमीशन लिया ए से और वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बैंक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी आई नहीं, लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई, तो फिर उसका पार्ट नहीं बना, ठीक है। नेक्स्ट एंटी मनी लॉन्ड्री गाइडलाइन, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एंटी मनी लॉन्ड्री से किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे इससे क्वेश्चन बना हुआ है कि क्या है सबसे पहले एंटी मनी लॉन्ड्री, कि इलीगल मीन्स के थ्रू पैसा इलीगल मीन्स के थ्रू इनकम जनरेट कर रही है, ठीक है, जैसे गन स्मगलिंग, ड्रग्स वगैरह से पैसा आपने हाइड करा हुआ है, कंसील करा हुआ है, ठीक है, या आपने कैरी करा हुआ है, तो उसको सबको एंटी मनी लॉन्ड्री
की कैटेगरी में रखा गया है और ऐसे ऑफेंस नॉन बेलेबल होते हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना। तो ओवरऑल डिस्कस करते हैं यूनिट सेकेंड से ऑपरेशन ऑफ बैंकिंग से किस टाइप के क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करने। सबसे पहले चेक इन एंडोर्समेंट आपको पता होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन बनेगा डिजिटल बैंकिंग से। डिजिटल बैंकिंग में वो इंटरनेट, मोबाइल, होम बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग कुछ भी पूछ सकते हैं। प्लस सिक्योरिटी कि आपको कैसे ओवरकम करना है, उससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तीसरा आपका बनेगा ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज या EFT। आपको नहीं शॉर्ट नोट में दे दिया जाएगा, जैसे एक्सप्लेन ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या है, आपको पता होनी चाहिए। देन बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, एंड लास्ट एंटी मनी लॉन्ड्री गाइडलाइंस, ठीक है। तो थर्ड लोन एंड एडवांसेस। फर्स्ट आपको प्रिंसिपल ऑफ साउंड लेंडिंग क्लियरली पता होना चाहिए, क्या क्या प्रिंसिपल हैं, जैसे सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, पर्पस क्या है लेंडिंग का प्रोवाइड करते हुए, सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी ऑफ लोन, वो भी एडिक्वेट सिक्योरिटी ऑफ द लोन्स, वो भी होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं ऑफ द साउंड लेंडिंग और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन, ये आपको पता होना चाहिए लोन एंड एडवांस में क्या डिफरेंस है। जैसे लोन क्या है, वो लॉन्ग टर्म है, एडवांस क्या होते हैं, वो शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है। तो एडिशनल जो क्रेडिट फैसिलिटी है अगेंस्ट अ स्पेसिफिक लिमिट, अगेंस्ट द गारंटी अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट एडवांस में प्रोवाइड कराई जाती है। लोन क्या है, एक डेट है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म की बात करें लोन्स की बात होगी, कुछ क्रेडिट फैसिलिटी, कुछ शॉर्ट टर्म की लोन की बात करें तो उसको हम एडवांसेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है, जैसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए हमें लोन की रिक्वायरमेंट है तो हमने कैश क्रेडिट यूज़ करा, ठीक है। बिजनेस को वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट है तो हमने कैश क्रेडिट की फैसिलिटी यूज़ करी, तो वो क्या एडवांसेस की फैसिलिटी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए लोन एंड एडवांस में क्या डिफरेंस है। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स मतलब हमें क्या करना है, जो इलिक्विड एसेट्स हैं, जैसे होम मॉर्गेज या हाउस मॉर्गेज जो होती है, ये क्या होते हैं, ये इलीगल बोल रही हूँ, इलिक्विड एसेट्स हैं, ठीक है। तो इलिक्विड एसेट्स हैं होम मॉर्गेज, तो कैसे हम इन होम मॉर्गेज को कन्वर्ट कर सकते हैं इलिक्विड एसेट्स टू लिक्विड एसेट्स, तो वो पूरा जो प्रोसीजर है उसको हम सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, आया तो एक बार ही है बट आप एक बार पढ़ लेना, आपको पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम में आ गया तो उसको कैसे लिखना है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बेसिल नॉर्म से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बेसिल नॉर्म 1, बेसिल नॉर्म 2, बेसिल नॉर्म 3 आपको पता होना चाहिए। लाइक जैसे कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स 8% है, बेसिल और फर्स्ट बेसिल नॉर्म्स में हम क्रेडिट रिस्क की बात करते हैं, सेकंड बेसिल नॉर्म्स में हमने क्रेडिट रिस्क अलॉन्ग विद दैट ऑपरेटिंग रिस्क और मार्केट रिस्क की बात करी है, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है बेसिल नॉर्म्स में आई थिंक RBI ने तो 9% कर दिया था और बेसिल नॉर्म थर्ड में वो अराउंड 14%, आई एम नॉट श्योर बट 12-14% है बेसिल नॉर्म्स थर्ड में, तो वो क्यों 9 से डायरेक्ट 12 या 14 रखी गई थी, क्योंकि जो बेसिल नॉर्म्स आए थे वो 2010, बेसिल नॉर्म थर्ड जो आए थे वो 2010 में आए थे, उससे पहले हमने लिक्विडिटी क्राइसिस 2008 देखा था, तो उसमें देखा गया था कि बैंक्स जो हैं, जो बैंक सफिशिएंट कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स फॉलो कर रहे थे, बेसिल नॉर्म्स फॉलो कर रहे थे, तो वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे लिक्विडिटी इशू से, तो दोबारा इसलिए फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई थी। देन NPA, NPA क्या है, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कि अगर जो जो बोरोवर्स हैं अगर वो डिफ़ॉल्ट करते हैं फॉर मोर देन 90 डेज तो वो NPA की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो वो भी पढ़ना है कि NPA किस टाइप्स ऑफ NPAs क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ NPAs मतलब यहाँ पे सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स की बात की गई है, ये टाइप्स ऑफ द NPA होते हैं। देन वॉट आर द बेसिक कॉजेज ऑफ द NPA, क्या कॉजेज होंगे NPA का, मिसमैनेजमेंट ऑफ द फंड्स, नो प्रॉपर फॉलोअप ऑफ द एक्शन, ठीक है, इंटेंशनल डिफॉल्टर्स बाय द बोरोवर, जानबूझकर डिफॉल्ट कर रहे हैं, सोशल ऑब्लिगेशन है कि बैंक्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कम इंटरेस्ट पे लोन देना है, ठीक है। अगर किसी पर्सन ने बिजनेस के लिए लोन लिया, अगर वो बिजनेस फेल हो गया है तो उसके लिए फेलियर ऑफ द बिजनेस, और नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी लॉस हो सकता है, तो वो सब किस में आएगा, वो मेन रीज़न है NPA। NPA का
कंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे जो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, फाइनेंशियल सिस्टम पे अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर प्राइसेस ऑफ द बैंक वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, जो जो डिफॉ जो ऑनेस्ट बोरोअर हैं वो भी डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और बैंक्स बहुत ध्यान देंगे कि हमें जो लोन देना है, मतलब बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे लोन देने से पहले कि हम इसको दें वो सही रहेगा या नहीं रहेगा वो सब। तो NPA देख लेना, NPA इम्पॉर्टेंट है। देन IBC 2016 क्या है वो इम्पॉर्टेंट है, IBC 2016 क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि ये रीसोल्यूशन प्रोवाइड रीसोल्यूशन ऑफ द इंसॉल्वेंसीज ऑफ कॉर्पोरेट्स, ठीक है, इसको हम कोड बोलते हैं, एक्ट नहीं बोलते, बेसिकली एम्फेसाइज करता है किस पे, क्रेडिटर पे, मतलब क्रेडिटर को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है डेटर को, ठीक है, और स्ट्रिक्ट इसकी स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होती हैं, लाइक 180 डेज गिवन टू रिजॉल्व दी 180 डेज गिवन टू DLT और NCLT डिपेंड अपॉन की कंपनी है या नॉन कॉरपोरेट है, उसके बेसिस पे 180 दिन मिलते हैं जिसमें पूरा का पूरा या तो रीसोल्यूशन करें जिससे बैंक्स एक प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन पे हो, या फिर वाइंड अप करें कंपनी का, ठीक है, और अगर 180 डेज कंप्लीट नहीं होते तो एडिशनल 90 डेज दिए जाते हैं, ठीक है, पूरी इंसॉल्वेंसी लिक्विडेट करना या प्रोवाइड रीसोल्यूशन टू द फॉर्म हुआ, कॉरपोरेट्स हुए, पार्टनरशिप, LLP, डिपेंड अपॉन कि कौन सी पार्टी है, ठीक है, तो इसका पूरा एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, IBC का, तो वो क्लियरली देख लेना कि जैसे ऑपरेशनल क्रेडिटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 7 वो NCLT और DRT के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन, देन NCLT एक्सेप्ट कर लेती है तो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट कर लेगी, फिर जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो एक कमेटी फॉर्म करेगा और उस कमेटी फॉर्म फिर वो फाइनली रीसोल्यूशन प्रोवाइड करेगी या फिर वाइंड अप करेगी कंपनी को, वो डिपेंड करता है कि जो मेंबर्स हैं वो एग्री करते हैं विद दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो कमेटी जो उस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ने जो उनके सामने रखा है मेंबर्स के सामने, क्या वो एग्री कर रहे हैं, क्या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, या अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर रिजेक्ट होगा और फिर कंपनी वाइंड अप होगी। तो अगर हम बात करें यूनिट 3 लोन एंड एडवांसेस में, बेसल नॉर्म्स, NPA, IBC तीनों ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इनको बिल्कुल स्किप नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इसमें बेसल नॉर्म्स हैं, कैपिटल एडिक्यूसी रेशियो से क्वेश्चन आ सकता है, बेसल नॉर्म 1, 2, and 3 क्या है क्लियरली पूछ सकते हैं, कॉसेज ऑफ NPA एंड इम्पैक्ट ऑफ NPA ऑन बैंकिंग सेक्टर क्वेश्चन आ सकता है, एंड IBC से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये तीनों तो बिल्कुल स्किप नहीं करने। बाकी आपको प्रिंसिपल ऑफ साउंड लेंडिंग भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, वो एक बार देख लेना है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे, ठीक है, क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन है वो हर बार बेसल नॉर्म्स, NPA, IBC से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रिंसिपल ऑफ साउंड लेंडिंग भी एक दो बार पूछ लिया है, ठीक है। यूनिट 4 कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस से, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इंडेमनिटी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ऑटमोस्ट गुड फेथ, प्रॉक्सिमेट कॉज, कॉन्ट्रीब्यूशन, सेप्रोगेशन। तो अगर हम बात करें यूनिट 4th की, तो आपको एक क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस से देखने को मिलेगा जिसमें इंडेमनिटी, इंश्योरेबल, अटमोस्ट गुड फेथ, प्रॉक्सिमेट कॉज, कॉन्ट्रीब्यूशन या सेब्रोगेशन पे होगा, तो आपको कोई भी सारे के सारे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आपको अच्छे से देखना है, और शॉर्ट में भी नहीं देखना, पूरा लेंथ होनी चाहिए, जिससे कि अगर आपको इंडेमनिटी के बारे में पूछा है, फॉर एग्जाम्पल 7 मार्क्स में या 8 मार्क्स में इंडेमनिटी का पूछा है, तो मेक श्योर आपके पास सफिशियंट कंटेंट हो, 7 और 8 मार्क्स में आ सकते हैं, या फिर 15 मार्क्स में भी 2 पार्ट्स में कोई भी 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल पूछ लिए तो उसमें भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा, आपको री इंश्योरेंस क्या है, री इंश्योरेंस, को इंश्योरेंस क्या है, इनके फीचर, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, वो आपको देखने हैं। री इंश्योरेंस ज़्यादा पूछा गया है कंपेरेटिव टू द को इंश्योरेंस, बट ऐसा नहीं है आप स्किप करोगे, स्किप नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन इसके 3 पार्ट से पूछे हैं, या तो प्रीवियस ईयर में बैंक का इंश्योरेंस पूछा गया है, तो बैंक का इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस ने या को इंश्योरेंस में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में कोई भी 2 आपको प्रिंसिपल पूछ लिए जाएंगे, तो आपको प्रिंसिपल बैंक का इंश्योरेंस मस्ट है, प्रिंसिपल बैंक का इंश्योरेंस बिल्कुल स्किप नहीं करना, री इंश्योरेंस भी बिल्कुल स्किप नहीं करना, आपको प्रीवियस ईयर में से हर साल में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड, तो बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना। यूनिट 5 लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, तो
लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन फायर मरीन मोटर इंश्योरेंस से पूछा गया है, लाइफ इंश्योरेंस से पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक या दो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे इंश्योरेंस से रिलेटेड, लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड। और दूसरा इस यूनिट में एम्फेसाइज करा है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ IRDA एक्ट 1999, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स, ड्यूटीज, पावर एंड इट्स फंक्शन ऑफ IRDA, अच्छे से करके जानना ये IRDA को और फायर मरीन मोटर इंश्योरेंस को, लाइफ इंश्योरेंस को अच्छे से कवर करना। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में इसी से रेगुलर पूछा गया है इन्हीं टॉपिक से, तो बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना।